and 34. Description box re question of PDF tomar WhatsApp kore PDF de debi with solution re madhyam ta je ami question number 33 re achhi. Question number 33 dekho very interesting. Amu di ta problems koribi kintu false koribi je bujha darkar e sob board exam re jeti ki importance me ta to adhiko importance me entrance pai entrance related questions. Se kohila 2.4 charges q1 equals to 5 microcoulomb and q2 equals to 3 microcoulomb are located at position 1 meter, 3 meter and 2 meter and 3 meter, 5 meter and 1 meter respectively. Find force F12 and F21 using vector form. Dekho clear diagram ke also bujha pe try karibo. Consider a three dimensional Cartesian coordinate system. Eta hala origin hala ethe mor gote charge ke hocche q1 charge hocche yaro position ta kete deichi na 1 meter, 3 meter, 2 meter. Tale bujhi 1 meter 3 मीटर एंड 2 मीटर एटा हम लोग हम ला r1 वेक्टर पोजीशन वेक्टर से आउ गोटे q2 चार्ज अछि जहार पोजीशन ताला 3 मीटर 5 मीटर एंड 2 मीटर ये हम लोग पोजीशन वेक्टर मतलब होचे r2 वेक्टर्स एबे आ कोनो जॉइन करू छी ए जो जॉइन करबे त कोन हबो r1 2 जदि मु 1 2 जदि ताजबो r1 2 आउ q2 पर केते फोर्स पडिबो ना q2 पर फोर्स पडिबो f21 आउ से प्रॉब्लम कह दउ छी आउ से प्रॉब्लम कह दउ छी r1 2 पहिले कोन डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम चार्ज q1 टू q2 डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम चार्ज q1 टू q2 ताहले एई जगह रे देखो पहिले कोन होउ छी हला क्वेश्चन डायग्राम ता को नीचे फल से बुझो तापर मत कहो कहां जदी कोन प्रॉब्लम हो तो मते कहि पाई देखो पहले तुम जानि छ ऑर्डर वेक्टर ए आर1 वेक्टर हेड सहित आर1 टू वेक्टर टेल ता कनेक्ट हि त मु कहि कि आर1 आ आर1 टू वेक्टर्स ए दिटा कोन ऑर्डर वेक्टर अछ आ ए ट्रायंगल तृतीय साइड माने आर2 वेक्टर ता को मु कहि कि रिजल्टेंट वेक्टर्स आ तुम समझ ले छ रिजल्टेंट वेक्टर कहले सम ऑफ टू ऑर्डर वेक्टर्स त माने r1 वेक्टर्स प्लस r1 टू वेक्टर्स त माने एते r1 टू वेक्टर्स ता केत होबो r1 टू वेक्टर्स ता होबो r2 वेक्टर्स माइनस r1 वेक्टर्स डायग्राम पे हल से बुझो r1 टू कहले डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम चार्ज q1 टू q2 आ q2 पर केत फोर्स पडबो ना जहां ऊपर फोर्स पड़े ताकि तुम्हें आगे देखो तो q2 पर कितने फोर्स पड़ेगा ना f2 पर फोर्स पड़ेगा f2 पर पहले कौन फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज है q2 ड्यू टू q1 आउ जेहेतु दीटा को सिमिलर चार्ज अछि प्लस और क्रॉस अछि मु तुम कहि दिली एटा वेक्टर फॉर्म ना कौन ना 1 बाय 4 बाय एप्सिलॉन 0 q1 q2 बाय r3 इनटू r वेक्टर्स बाय r3 इनटू r वेक्टर्स मतलब कहिला r स्क्वायर इनटू r कैप r स्क्वायर इनटू r कैप जत्ते बले 2 1 हो सिमिलर चार्जेस के से 2 1 अछि एटा 2 1 अछि ना त माने q1 q2 जाय छै केनो पोजीशन ता पडछो यूनिटी वेक्टर f2 आंदर डायरेक्शन जुवारे यूनिटी वेक्टर डायरेक्शन से आजिवो केनो एटा r1 2 एटा लिखिबे r1 2 कैप r1 2 कैप लिखि देखो मु तुम जो सॉल्यूशन दे छी पीडीएफ रे से ए डायग्राम से तो नहीं तो डायग्राम को स्क्रीनशॉट ले जाओ और तो तुम नोट्स लिखियो ए डायग्राम को जरा लिखियो बुझेला ताहले सत्य पाए एटा तो 2 1 छी बट r1 2 क्या कोन टुका को छी r1 2 क्या एला मोर r1 2 रो स्क्वायर r1 2 रो स्क्वायर एटा 2 1 छले ए 1 2 हो सिमिलर चार्ज तले r1 2 का केतो हो r1 2 वेक्टर पर मतलब जे r2 वेक्टर्स और r1 वेक्टर्स मतलब देखे r1 रो पोजीशन दे छी 1 मीटर 3 मीटर 2 मीटर तबटा आई कैप प्लस जे कैप प्लस वाई कैप अर्थात हम कहि परिले r1 वेक्टर ता हबो आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 2 के कैप सेमिति r2 वेक्टर ता कोन हम मिले r2 वेक्टर ता हबो 3 आई कैप प्लस 5 जे कैप प्लस 2 के कैप मते पले क्वेश्चन के गड़बड़ हो छी ना 1 छी ना 1 छी ना 1 के कैप देखो बस सिंपल
संख्या तब जगह हम 5 minus 3 जे क्या रहो के क्या पर कोफिशिएंट 1 r1 और के क्या पर कोफिशिएंट 2 तो 1 minus 2 के क्या 3 minus 1 अलार 2 i क्या 5 minus 3 अलार 2 जे क्या 1 अलार minus k क्या ये अपने तमाला r1 2 vectors किंतु ये जन्म तमाला r1 2 vectors एवं समीकरण का हल करें कौन ची ना R1 to vector of magnitude. R1 to vector of magnitude. देखो R1 to vector of magnitude के तो हो magnitude का formula कौन हो? ना I क्या का coefficient square plus J क्या का coefficient square plus K क्या का coefficient square हो root of और 2 root square plus 2 root square plus minus 1 square root 2 बस. ये 2 root square 4 plus 4 plus 1 माने 9 को रूट 2 होर्स रखे तला 300 तब माने पोजीशन का कितना हो 3 मीटर बाहर हो जाला यदि को r1 टू क्या अपने भी तब जान छ यूनिट वेक्टर फार्मूला हो छे r1 टू वेक्टर्स बाय r1 टू वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड तो r1 टू वेक्टर्स का कितना हो छे 2 i कैप प्लस 2 j कैप माइनस k कैप डिवाइड बाय r1 टू वेक्टर मैग्नीट्यूड तला 3 सो मोर कम कोई करबी f1 टू हेक्टर्स सॉरी f2 1 f1 पूरा फार्मूला एटा फार्मूला वैल्यू टू कोच 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन जुलै रे टू कोच 9 इनटू 10 टू द पावर 9 q1 जगह रे केत अछि 5 माइक्रोकूलम q2 केत अछि 3 माइक्रोकूलम माइक्रोकूलम कहले केते ना 5 इनटू 10 टू द पावर माइनस 6 एरा 3 इनटू 10 टू द पावर माइनस 6 डिवाइड बाय कितना छ r1 टू स्क्वायर r1 टू का कितना छ 3 r1 टू स्क्वायर का 3 स्क्वायर अब इनटू r1 टू क्या कौन से तो है छ एटा वाला r1 टू क्या बन छ माने कितना ला 2 i क्या प्लस 2 j क्या माइनस k क्या डिवाइड बाय 3 ना सॉल्व कर चुके देखो 3 3 कैंसिल ये 3 स्क्वायर 9 9 कैंसिल एला 5 into 10 to the power minus 6 minus 6 minus 12 a 9 रखे ताला minus 3 यार रिकॉर्डिंग वीडियो होता है YouTube अपलोड करेगा जी तीन तक अपलोड करेगा क्या होगा 5 into 10 to the power minus 3 into जहाँ ची रखे तो ची 2 i cap plus 2 j cap minus k cap ये अपने तो बोला क्या बोला ना f2 बोला क्या ये तो बोला क्या बोला f1 बोला चार करके ले पचास के f1 टू पचास जी तो मॉडल का न्यूटन्स फॉर्मूला कौन कहे जी न्यूटन्स हाल लो एवरी एक्शन हाज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन और अगर कूलम्स फोर्स टाइम होता है न्यूटन्स लोग को देखो ता माने दीपा एंगल कौन हो ये जब तो f1 वाला सेमिटी 1 ऊपर को फोर्स कर दो f1 टू फोर्स कर दो और दीपा एंगल मैग्नीट्यूड सेम पड़ियो काईगा साइन की जस्ट कोची मैग्नीट्यूड से डायरेक्शन ऑफ कोची तो ना हम कह दिए f1 टू वेक्टर्स इक्वल्स टू माइनस f1 वेक्टर्स तब ने f1 वेक्टर जहां बाहर छि खाली माइनस का मल्टीप्लाई करले तो क्या गेट द जो सब f1 वेक्टर्स का दबो ना माइनस 5 टू 10 टू पावर माइनस 3 ये वो 2 i कैप प्लस 2 j कैप माइनस k कैप न्यूटन ये तो बाहर वाला f1 वेक्टर्स और f1 वेक्टर्स यार वो स्क्रीनशॉट ले जा जेंती है छि नोट पीडीएफ दे दे भल से देखो कौन कौन से जगह तो मैं माने प्रश्न का बात उत्तर में एटा विथ लाइव क्लास चली छी रिकॉर्डिंग वीडियो YouTube रे मध्य आज संध्या 8टा भीतर अपलोड हो हला ताहले एबे आमे क्वेश्चन नंबर 34 अछु क्वेश्चन नंबर 34 कोन कहो छी এটা এন্ট্রান্স সব এন্ট্রান্স যাহা বে এবে হচ্ছে আন ইনফাইনাইট নাম্বার অফ চার্জেস ইচ ইকুয়ালস টু 4 মাইক্রোকুলম আর প্লেসড অ্যালং এক্স অ্যাক্সিস আর এক্স ইকুয়ালস টু 1 মিটার এক্স ইকুয়ালস টু 2 মিটার এক্স ইকুয়ালস টু 4 মিটার এক্স ইকুয়ালস টু 8 মিটার এন্ড সো অন ফাইন্ড দ্য টোটাল ফোর্স অন এ
वन कॉलम प्लेस्ड एट द ओरिजिन पहला एंटिटी इनफाइनाइट नंबर ऑफ चार्जेस हो मन करले एटा नंबर ओरिजिन ओरिजिन नंबर वन कॉलम चार्ज अछि डा क्यू नॉट लिखु छी ओरिजिन रे चार्ज छोटा अछि क्यू नॉट पहले चार्ज एट द ओरिजिन वन कॉलम चार्ज अछि ओरिजिन रे वन कॉलम रो चार्ज अछि ओरिजिन रे क्वेश्चन पचार छी आउ इनफाइनाइट नंबर ऑफ चार्जेस अछि ए बहुत चार्ज अछि इनफाइनाइट नंबर चार्जेस अछि एक्स एक्सिस रे अछि एटा हमर एक्स एक्सिस हो एठे हमर चार्जेस अछि q1 केते डिस्टेंस अछि ना 1 टू डिस्टेंस अछि आउ हमर चार्ज अछि q2 अछि केते डिस्टेंस अछि ओरिजिन रो ना 2 मीटर अछि आउ हमर चार्ज अछि q3 एई चार्ज ता केते डिस्टेंस अछि ओरिजिन रो ना 4 मीटर अछि आउ हमर चार्ज अछि q4 ये और जो के डिस्टेंस अछि ना 8 मीटर अछि त हम देखो ये दुई गुणा बढ़ि बढ़ जाउ छै ये दुई बढ़ला दुई गुणा 4 4 गुणा 8 8 सु 1 एबे नेक्स्ट तक दिबो यदि q5 कोइ भी नेक्स्ट तक दिबो प्ले बोझो कमेंट करलो नेक्स्ट तक दिबो मु देखु छी मते कमेंट रे कोइलो नेक्स्ट तक के डिस्टेंस दिबो मु देखु छी सो पहिला कमेंट करो जाहु अनेक पिला जुड़े छथि जो माने एक्चुअल पाठ पढिया पिला समान ही जॉइन कर छथि समान को अशेष धन्यवाद करो काई से हमर कमेंट बॉक्स देखथिलि समान सब आंसर टाइपिंग कर छथि समान बहुत धन्यवाद एबे तुम जान पालो कि फिफ्थ देखिबो 60 मीटर सेंटी क्यू 60 क्यू 7 क्यू 8 एंड डिस्टेंस से एही थियो एबे लक्ष्य करो तुमको क्वेश्चन पचाला फाइंड द टोटल फोर्स ऑन ए चार्ज ऑफ वन कूलम प्लेस एट द ओरिजिन तमाने q1 ता या पर फोर्स को थुओ सना f1 हो q2 या पर फोर्स को थुओ सना f2 हो q3 या पर फोर्स को थुओ सना f3 हो q4 पर फोर्स को थुओ सना f4 हो ए बलन पे चालबो तमाने एबे पे देखो x एक्सिस रे अछि प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कहिला जे टोटल फोर्स का कोन हबो टोटल फोर्स एटा हबो f1 वेक्टर प्लस f2 वेक्टर प्लस f3 वेक्टर इक्वल टू हो तो जेहेतु ए जगह थीटा का 0 डिग्री जेहेतु ए जगह थीटा का 0 डिग्री मु प्ले जो तुमको आंसर पीडीएफ तो दी ए डायग्राम का नहीं डायग्राम का स्क्रीनशॉट ले जा बा खाता रे डायग्राम और डिग्री लो जत बड़े आज जो तुम सेंड करी आंसर तुम ए डायग्राम के मध्य निजो नोट्स लिखबो काई ना सॉल्यूशन रे डायग्राम के नहीं एबे प्ले नेक्स्ट नेक्स्ट कौन हो प्ले को कहो जेतु थीटा 0 डिग्री f का नाम हो f1 प्लस f2 प्लस f3 आज जब भी सम है जो मैग्नीट्यूड ले गले तावन f का प्ले कौन हो f का एबले f इक्वल्स टू f1 प्लस f2 प्लस f3 तावन f इक्वल्स टू f का मैग्नीट्यूड इक्वल्स टू देखो कि f1 पहले कौन 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन 0 q1 q2 बाय r स्क्वायर q1 ये q1 कहां पर को जो ओरिजिन पे तो q1 q0 बाय r स्क्वायर r1 स्क्वायर दो छु फर्स्ट पे r1 हो छु सिर्फ सेकंड पे हमरा निजो को 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन 0 q2 q0 बाय r2 स्क्वायर अब f3 पे कौन हो 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन 0 q3 q0 बाय r3 स्क्वायर एंड दिस वन हो अब पहले कितना कॉमन जाउ छि 1 by 4 pi epsilon 0 कॉमन जाउ छि बडे q नॉट कॉमन जाउ छि आउ कोन रहउ छि हां पहले आउ कटा कथा q1 q2 q3 र मैग्नीट्यूड सेम अछि मैग्नीट्यूड 4 कॉमन अछि ता माने ए q2 जगह रे q1 लिखिबि q2 जगह रे लिखिबि q1 लिखिबि काहे कि मैग्नीट्यूड सेम अछि ता माने केते कॉमन जीवो ना q1 q नॉट कॉमन जीवो बाकी रहउ केते 1 by r1 स्क्वायर प्लस 1 by r2 स्क्वायर प्लस 1 बाय r3 स्क्वायर एंड जीरो अर्थात कैपिटल जो सॉल्व करबे देखो सॉल्व कला परे ये गुटे तुम सम ऑफ इनफिनिट सीरीज अछि तावन f इक्वल्स टू f इक्वल्स टू 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन 0 पहले 9 * 10 टू द पावर 9 q1 पहले 4 माइक्रो कूलम माने 10 - 16 q0 पहले 1 बाकी में r1 टा केते
r2 केते 2 रो स्क्वायर r3 केते 3 रो स्क्वायर r4 केते 4 रो स्क्वायर एमनी हो पले ये जो सीरीज का छ 1 स्क्वायर 1 2 रो स्क्वायर 4 3 रो स्क्वायर 9 एटा 4 रो स्क्वायर केते 16 आसा तो सेम दियो छ तो 1 स्क्वायर 2 रो स्क्वायर 3 रो स्क्वायर ओछना को सॉरी एटा बदे केतो छ 2 4 ना एटा 4 रो स्क्वायर छ एटा 8 रो स्क्वायर छ माने 1 4 ये 16 32 एवन को अछि बता गेल पडे कोथि अछि एपी न अछि ना जीपी न अछि एपी कोले एरिथमेटिक प्रोग्रेशन जदि एमान को भीतर डिफरेंस ता समान थाए ताकु कहा जाए एरिथमेटिक प्रोग्रेशन जदि एमान को ते रेशियो समान थिवो सॉरी प्ले 1 स्क्वायर 1 2 स्क्वायर 4 सिरा कोन छ सॉरी 1 स्क्वायर ले फाइंड 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 4 स्क्वायर 8 स्क्वायर एंटरसी ताहले कत तो 1 4 16 18 मतलब को सब कमेंट करो ए भितरेटा एपी ओसा जीपी अछि एपी कहले कॉमन डिफरेंस जीपी कहले कॉमन रेशियो कॉमन रेशियो एपी कहले कॉमन डिफरेंस देखो एक चार डिफरेंस अछि डिफरेंस समान अछि या रेशियो समान अछि कमेंट करो कमेंट करो एपी ना जीपी मुझे कुछ आंसर कमेंट करो ताहने रखते जीपी अच्छे माने कॉमन रेशियो समान अच्छी जीपी को ले प्रीसीडिंग और सक्सेसिंग माने 1/4 अबे 4/16 करते सेम 1/4 अबे 16/64 सेम 1/4 ताहने कॉमन रेशियो आर का कितना अच्छी 1/4 क्या बोलते पहले सौ का जीपी कौन कहा जो प्ले सौ का जीपी जीपी वाले जेमोट्रिक प्रोग्रेशन जीपी वाले जेमोट्रिक प्रोग्रेशन आ सौ का जीपी का फॉर्मूला हम चुका ना ना ए बाय वन माइनस आ ए बाय वन माइनस आ ए पहले प्रथम टर्म ए पहले प्रथम टर्म आर पहले रेशियो ए का कितना अच्छी वन अच्छी आर का कितना अच्छी वन एक तो अच्छी सौ करो सौ का आंसर को कमेंट करो सौ का आंसर को सौ का आंसर को नेक्स्ट प्ले एवे सम को जीपी भाग गला सम को जीपी माने केटा एटा भाग गला 4/3 सम को केटा भाग गला 4/3 एति भाग गला 4/3 क्वेश्चन एटा छै सो फोर्स इज इक्वल टू 9 * 4 36 * 10 टू द पावर 9 - 16 माने 3 * 4/3 4/3 4/3 सम करो सम करो केते 3 36 स्क्वायर 12 * 48 * 10 टू द पावर 3 न्यूटन 48 * 10 टू द पावर 3 न्यूटन बुझे लगले जो मन का बुझेला यस लिखो बुझेला जो मन का यस लिखो बुझेला जो मन का यस लिखो